हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने ये चॉकलेट बिस्किट मंगाए हुए हैं। ये 10-10 रुपए की बिस्किट है, 3 बिस्किट के पैकेट मंगाए हुए हैं। और बस इन्हीं से हम चॉकलेट केक बनाएंगे घर पे ही, बिना ओवन के और बिना एग के। तो हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो आप एक बार मेरे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल ज़रूर उसको क्लिक कर दीजिए, तभी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ पाएंगी। तब आप उसको बेल बटन को क्लिक करेंगे और लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखने से पहले ही सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ज़रूर करना इसको, अच्छी लगे तो। ओके, तो चलिए देना स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे पहले मैंने बिस्किट सब तीनों पैकेट्स को निकाल के एक जार में डाल लिए हैं। इनको हमें पीसना है, बिल्कुल पतला वाला महीन जैसे होता है इस टाइप से हमें पीसना है चॉकलेट बिस्किट को। और बहुत इजीली पीस जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं, थोड़ा आप इनको तोड़ लीजिए तो और जल्दी से पीस जाएंगे। साबुत मत डालना, साबुत थोड़ा लेट पीसेंगे ये। तो मैंने इसको बिल्कुल तोड़ के, तब उसके बाद मैंने इनको मेरे जार में डाल के पीस लिया था। इनमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है आपको, सिंपल ऐसे ही बिस्कुटों को इनको आपको पीसना है तो ये बहुत अच्छे से पीस जाएंगे। तो मैंने इसी जार में ही इसको पीस लिया था और इसी जार में ही मैंने सारे चीज़ें इसमें ऐड करी थी, क्योंकि मैंने सोचा अलग से क्या बर्तन गंदा करना और इसी में ऐड कर देते हैं। तो फिर इसी, क्योंकि उसको फिर से मैं इसको चलाना था तो मिक्सी में अच्छे से चल जाता, इसी वजह से मैंने इसी में रहने दिया। तो सबसे पहले मैं इसमें, इसी जब ये पिस जाता है तो 2 चम्मच इसमें रिफाइंड डाल लेती हूँ। तो मैंने ये रिफाइंड था 2 चम्मच, तो ये डाल लिया है और उसके बाद इसको चला लूँगी। उसके बाद ही इसी में थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध डालना है, हमें 1 कप दूध हमें डालना है वैसे तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और उसको चलाते रहेंगे और देखेंगे कि हमारी जो इसकी थिकनेस है कितनी होगी। हमें ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना है और ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको हमें नॉर्मल रखना है जैसे पेस्ट होता है इस टाइप से। तो उस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको इसको पेस्ट को अच्छे से मिक्सी को चला लेंगे। और उससे मैं, क्योंकि थोड़े दूध में तो हमारा मिक्सी का जार चलेगा नहीं, तो हमें थोड़ा दूध जो थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, तो हमारा पूरा 1 कप दूध इसमें डल जाएगा आराम से। और अच्छे से ये मिक्सी का ये मतलब अच्छे से इसको ग्राइंड अच्छे से कर मतलब हो जाएगा और चल जाएगा। तो अच्छे से फिर जब ये होने के बाद में, तो हम जब ये अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी एक तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद में इसी जार में हमें इसमें इनो ऐड करना है। तो इनो में हम, मैं बाद में ऐड करूँगी, सबसे पहले जो मेरे को जिस भगोने में इसको रखना है तो मैं उसको तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इनो डलने के बाद हमें एकदम से रखना होता है, ज़्यादा देर नहीं करनी होती है इसी वजह से। तो फिर उसलिए मैंने एक बड़े भगोना रख लिया गैस पे, क्योंकि ओवन वगैरह नहीं होते तो गैस पे हम इजीली बना सकते हैं। और ये देखो इस तरह से होना चाहिए इसका पेस्ट जो है। और भगोना मेरे पास एक थोड़ा सा नमक था, मैंने पहले भी केक बनाया था, तो मैं अलग से डिब्बे में करके रख देती हूँ उसके, उस नमक को, और उसी को मैं बार बार यूज़ करती हूँ, तो मैं ज़्यादा नमक वेस्ट भी नहीं जाता और बार बार उसी नमक को यूज़ हम कर लेते हैं। उससे है कि हमारा बर्तन जलेगा नहीं। और इसके ये बड़ा भगोने में हमने नमक डाल के एक स्टैंड रख लेते हैं और उस स्टैंड के ऊपर हमें रखना है। तो हमें इसे प्री हीट करना है, थोड़ा गर्म कर लेना पहले, इसको ढककर मैं गर्म कर लूँगी ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। जब तक ये गर्म होता है तब तक हम अपने भगोने में जो बटर पेपर है वो लगा लेते हैं। बटर पेपर की उसको साइज़ में कट करके जिस भगोने का है उसमें हम रिफाइंड कुछ लगा लेंगे, ग्रीस करना है हमें उस पेपर को। और वो ग्रीस करने के बाद में, तो ग्रीस करने के बाद में जब वो ग्रीस हो जाएगा, फिर उसके बाद में वो जो पेस्ट हमने बनाया है वो डालना है उसमें। और वो उस पेस्ट को हम तभी डालेंगे जब पहले हम उसमें इनो डाल लेंगे, उस जो पेस्ट हमने बनाया हुआ है। और एक चम्मच हम इनो डालेंगे उसमें। तो हम इसमें 1 चम्मच इनो डालने के बाद में उसको, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो एक्टिव हो जाए, और उसके बाद तुरंत उसको चला देंगे। और एक ही हमें जैसे क्लॉकवाइज में हमें राउंड में ही इसको चलाना है और अपोजिट साइड में नहीं चलाना है। तो उसके अच्छे से इसका पेस्ट हमारा इससे बन जाता है और अच्छे से जैसे थोड़ा सा जो खमीर बोलते हैं ना उठने को होता है, तो इसको डालने से अच्छे सा मतलब उसका पेस्ट अच्छा तैयार हो जाता है हमारा। तो बस इतना ही हम 1 चम्मच ही डालेंगे। और आपके पास अगर वो हो बेकिंग पाउडर थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं, पर
मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला था, उससे होता अच्छा फूलता है केक जो होता है हमारा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा जब बनाया था केक तो मैंने बेकिंग पाउडर भी डाला था तो बहुत अच्छा फूला था, इस बार थोड़ा कम फूला था, लेकिन हाँ ठीक है, ये भी अच्छा बना था केक। तो ये है कि इनो भी डाल सकते हैं आप 1 चम्मच, और उसके बाद अच्छे से फटाफट इसको फेंट के और तुरंत हमें इसे भगोने में हमें इसको डालना है, इसको भगोने में डाल के अच्छे से इसको सेट कर देना है, और उसके बाद भगोने में बड़े आप सेफ्टी से बड़ा मतलब हाथ चल ना जाए क्योंकि भगोना बहुत गर्म हो जाता है उस टाइम पे, तो किसी कपड़े की हेल्प से आप पकड़ के भगोने को उस पर रख देना स्टैंड पे, और उसके बाद में उसको ढक के रख देना, और इसमें कम से कम आपको ये 45 मिनट के आसपास या तो लगना लगना ही है आपका, इतना टाइम लग जाता है, और मीडियम गैस पर बनाना है आपको, फुल गैस नहीं करनी है और ना ही बिल्कुल सिम करना है, तो मीडियम गैस पर इसको बनाना है आपको, ताकि ये जले भी ना और अच्छे से हमारा ये अंदर तक पूरे अच्छे से सिक जाए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और बीच जब आपके कम से कम 30 मिनट हो जाए, 30 मिनट के बाद आपको चेक करना है एक बार, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारा जल्दी भी बन जाता है, तो आपको टूथपिक की हेल्प से उसको देखना है डाल के कि इसमें लगा तो नहीं, अगर वो नहीं लगा तो समझ लो हो गया है, अगर लग रहा है तो समझ लो नहीं, 2-3 जगह डाल के ऐसे देख लेना है, और चलो जब तक ये हमारा होता है तो हम सिरप बना लेते हैं, जो हमें सिरप इसके ऊपर डालना है ब्रेड के वो केक के ऊपर, तो हम 2-3 चम्मच चीनी ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो हमें इस चीनी को पिघलाना है, मतलब इसकी चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसको इसको पिघलाना है चीनी को, और इसका एक सिरप तैयार करना है जो हमें इसे केक के ऊपर डालना है, इसका सिरप डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि मैं इसको बाद में खा के बहुत टेस्टी लगा केक ये, और जब पहले मैंने केक बनाया था तो उसमें ये चीज़ नहीं डाली थी तो वो इतना मज़ा नहीं आया था, इससे डालने से बहुत अच्छा मतलब टेस्ट बन गया है, तो आप सिरप ज़रूर इसके ऊपर डालिए, और उसके बाद ये जब ये हो जाएगा उसको मैं बाउल में करके रख दूंगी, तो ये हमारा सिरप ये रेडी हो चुका है, उसके बाद में हम इसका जो इसके ऊपर जो हमें स्प्रेड करना है, जो एक कोको पाउडर की है, कोको पाउडर होता है उसके उसके हम बनाएंगे, तो इसी फ्राईपैन में मैं वो बना लूँगी, तो उसके लिए मैं 2 चम्मच कम से कम 2-3 चम्मच कोको पाउडर लूँगी, और 2 ही चम्मच ये चीनी लूँगी, और उसमें कम से कम आधा कप के से थोड़ा सा कम दूध लूँगी, तो इन तीनों को मिला के और उसको हम उसका जो उसकी स्प्रेड करना है पूरे केक पे, तो वो हम तैयार कर लेंगे, तो उसको हमें उसको खदकाना है जितना, लेकिन इसको अब तब बनाना जब आपका केक बन जाए इस वाले लास्ट वाले प्रोसेसर को जो मैं बता रही कोको पाउडर वाला, क्योंकि हमारा क्योंकि अगर हम इसको बना के रख देंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से फैलेगा नहीं, तो इसको तभी बनाना है जब आपका केक रेडी हो जाए, लगे आपका केक बन चुका है उसके बाद ही आप इसको बनाएं, बल्कि आप चाशनी बना के रख सकते हैं, लेकिन इसको तभी की तभी बनाएं, और उसके बाद इसको अच्छे से उबाल लें, इसको जब तक उबालें जब तक थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, हल्का सा गाढ़ा होने लगता है बस इसको वहीं रोक दीजिए, और उसके बाद तुरंत पहले फिर जब ये हो इसको ठंडा कर लीजिए, और उसके बाद में ठंडा करने पे और गाढ़ा होगा तो उस हिसाब से आपको रोकना है कि यहीं तक आपको रखना है कि उसको उतना ही आपको गाढ़ा करना है कि ठंडा करने के बाद वो ठीक ठीक हो जाए, तो हमारा केक जैसे रेडी हो जाता है, तो हम इसे केक को धीरे से निकाल लेंगे और उसके बाद में नाइफ से साइडों से इसको साइड से हटा देंगे, और उसके बाद हम प्लेट लेके उसको उल्टा कर देंगे इसको केक को, तो हमारे जब ये केक उल्टा हो जाएगा तो ये अच्छे से निकल जाएगा, उस पर ऊपर हाथ मार देंगे भगोने पे ताकि वो अच्छे से निकल जाए हमारा, तो उसके बाद में ये हमने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था इसको बनाना, क्योंकि मैंने कहा ना केक बनने के बाद ही मैं इसको बनाऊंगी, तो अब मैंने इसको बना दिया है, और इसको बना के हम इसको रख देंगे, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा होने लग जाता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो बस ये भी बन जाता है, और उसके बाद में हमारा केक भी रेडी है और चाशनी भी रेडी है, तो हम इसको जैसे केक निकालेंगे तो उसके ऊपर हम अपनी जो चाशनी है सबसे पहले हम उसको चारों तरफ उसको फैलाएंगे, चाशनी को स्प्रेड कर देंगे पूरे ब्रेड पे, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और जितना सॉफ्ट है और सॉफ्ट मीठा हो जाता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट उसका आता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है केक वगैरह जब ये तरह से बनता है तो, और उसके बाद में फिर उसके बाद में हम उसको अच्छे से फैला लेंगे। और
जैसे हम इसको उल्टा करते हैं तो जो इसका बटर पेपर होता है तो हम इसको धीरे धीरे करके इसको निकालेंगे, और बड़ी सावधानी से हमें निकालना होता है क्योंकि हमारा जो केक है वो टूटने का डर रहता है। तो हमें इसे धीरे धीरे करके तो इसको निकालेंगे, थोड़ा इसको ठंडा होने के बाद निकालेंगे, ज़्यादा गर्म होगा तो उसको टूटने का डर ज़्यादा रहता है हमें। तो हम ऐसे करके इसको धीरे धीरे से सारा इसका पेपर हम निकाल लेते हैं और उसको हम सीधा कर लेते हैं। उसको उस साइड में हमें इसको लगाना है, इसका जो ये जो हमने बनाया हुआ चाशनी जो बनाई हुई है इसकी शुगर की, तो ये हमें स्प्रेड करके ये सीधा करने के बाद हमें डालना है और साथ चारों तरफ हम इसको लगा देंगे। बस उसी तरह से हमें कोको का जो हमने वो बनाया है इसकी क्रीम बनाई है इसके ऊपर लगाने के लिए, वो हम इसके ऊपर सारे में अच्छे से लगा देंगे। देखो इतनी गाढ़ी हो जाती है, इतना जब तक हम इसको करना होता है, और अच्छा से इसको कर देंगे, इसको इस सारे में लगा के थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा साइडों में निकाल देंगे, वो जैसे टपकेगा साइडों में तो वो बहुत अच्छा लुक आता है केक का और अच्छा भी लगता है। उसके बाद में मेरे पास चॉकलेट्स रखी हुई थी तो डेरी मिल्क की, तो मैंने चॉकलेट लेके कद्दूकस की हेल्प से इसको कश कश लिया था और उसके पास ब्रेड के ऊपर सारे में मैंने इसको डाल दिया था, तो उससे बहुत अच्छा देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो अच्छे से कस भी गया था। और उसके बाद में मेरे पास जैम्स भी रखी हुई थी, तो जैम्स मैंने जो जैम्स के पैकेट्स दो लिए थे तो वो जो दो पैकेट में से जैम्स दोनों पैकेट की मैंने लगा दी थी, और चाहे तो आप एक पैकेट में भी लगा सकते हो, वो मुझे डेकोरेट करना था तो इसलिए मैंने इसलिए लगा दिया था उस पर। तो चारों तरफ से मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी जैम्स की हेल्प से, तो बहुत अच्छा और टेस्टी डिलीशियस एकदम से केक बना था। और घर में आप कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब बहुत इजीली बन जाता है, और बहुत दो तीन चीज़ की हेल्प की उससे बन जाता है, ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए आप लोग भी देखना और बनाना, इसको ट्राई करना कैसा लगा। मैंने तो ट्राई किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और खाने में बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और आप भी बताना कैसा बना, एक बार बनाना और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा बना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। देन बाय।